तो अब बात ऐसी है कि ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है और खाना बनाते बनाते मुझे इतना कभी मज़ा नहीं आया जितना मेरे को अब आता है। और इसकी तीसरी वीडियो, इसका मतलब ये है कि या तो लोग जो इसे देख रहे हैं उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है या फिर मुझे खाना बनाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैं बताता हूँ सच क्या है। जनरली जब मैं खाना बनाता हूँ रोज़ कॉलेज से शाम को वापस आके, तो मैं किसी को फ़ोन कर लेता हूँ और मेरा टाइम कट जाता है। बट अपेरेंटली जब यहाँ 7 बजते हैं तो इंडिया में 11 बजते हैं, 11:30 बजते हैं, तब तक मेरी मम्मी सो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आज और आगे से सर वीडियो में आपसे बात करूँगा। सो आई एम नेमिंग दिस सीरीज कॉन्वर्सेशनल कुकिंग। वेट, इधर करता है, कॉन्वर्सेशनल कुकिंग। और आज मेरे पे एक ये मैगी का पैकेट बना था, तो मैं बताता हूँ कि ये बेस्ट मैगी कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो मैं बनाता हूँ वो मेरे लिए बेस्ट मैगी है और आपके लिए पता नहीं हो नहीं हो। तो ये हमारा पानी उबल रहा है, ये हमारा मटके में हल्दी है, ये हमारी थोड़ी मिर्च है, इसमें नमक है और टेस्ट मेकर तो है ही। तो मैगी बनाते हैं। अब देखो, मुझे पता है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं वैसे तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बनता हूँ, हेल्दी खाने की बात करता हूँ, मैगी क्यों खा रहा हूँ। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि मेरे पे एक पैकेट मैगी का बचा था और गिल्टी प्लेजर नाम की भी चीज़ होती है ना, तो मैगी इंडिया में नहीं खाता था मैं। व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई हैड अ चॉइस टू ईदर ईट अ 12 रुपी पैकेट ऑफ मैगी और आई कुड वेरी वेल गेट अ पैकेट ऑफ ओट्स। Get a packet of oats which costs the same. It basically is healthier than Maggi. But यहाँ पे Maggi खाने का मज़ा अलग है, तो इसीलिए हम Maggi बना रहे हैं। अब मेरा Maggi बनाने का रेसिपी क्या है ना, ऑब्वियसली जितना पानी लेना है वो लो, टेस्ट मेकर डालो और टेस्ट मेकर डालने के बाद ये जो मेरी फेवरेट चीज़ है दुनिया में, लाल मिर्च डाल दो। ऑब्वियसली जब तक मैगी, मतलब लाइक एवरीथिंग एल्स आई ईट, अनलेस द मैगी इज स्पाइसी, आई डोंट एक्चुअली लाइक इट एज मच। और ये हल्दी थोड़ी सी डालेंगे हम, बिकॉज आई लव व्हेन द मैगी हैज़ अ यू नो थोड़ा सा येलो कलर, बहुत हल्की सी, सो दैट देर इज कलर बट नॉट इनफ दैट उसका टेस्ट आए हल्दी का। आई मीन ऑब्वियसली इसके मसाले में भी थोड़ी हल्दी होती है, आई कैन सी द येलो दैट। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नमक डालने का। अब जब मैगी एक्चुअली पूरी बन जाएगी ना, तो उसके बाद मैं थोड़ी वो करूँगा, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ डालूंगा टू मेक इट जस्ट द वे दैट आई लाइक इट। जितना हमारा पानी बॉयल होता है पहले ये मसाले रखते हैं, फिर तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। हमारा पानी बॉयल हो चुका है और अब इसमें हमें थोड़ा मसाले को ना स्टिर करता हूँ मैं, सो दैट इट्स इवनली स्प्रेड। अब देखा जाए ना तो मैगी इज क्वाइट, मेरी ओपिनियन में मैगी इज़ दी ओनली ब्रांड दैट एवरी वन हैज़ अ स्टोरी एसोसिएटेड विद। मतलब मुझे याद है जब मैगी इंडिया में बैन हुई थी, दैट ब्रीफ पीरियड आई रिमेंबर कोहराम मच गया था इंडिया में। मतलब आई डिड माई अंडरग्रेड इन DU, तो उधर ना नॉर्थ कैंपस में टॉम अंकल होते हैं, टॉम अंकल की मैगी की शॉप बंद हो गई थी। टॉम अंकल ने इनोवेट किया था, ही स्टार्टेड सेलिंग हिज मैगी, पुरानी मैगी का स्टॉक कहीं से वो लेके आए, तो दैट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी। बट ऑल ऑफ अस हैव अ वेरी डीप कनेक्शन विद मैगी यार। आई मीन ऑफकोर्स आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव डन इट कि स्कूल के बाद दोस्तों के साथ जाके मैगी खाना, और घर पे जब मम्मी नहीं है तो मैगी बना के खाना, मैगी स्कूल में मैगी जो बच्चे टिफिन में लेके आते थे ठंडी। आई नेवर डन दैट, आई नेवर टेकन मैगी इन माई टिफिन, क्योंकि मेरी मम्मी को मैगी बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज शी सेज मैदा खाने से अच्छा तो मछली खाओ, बेसिकली मैदा नहीं पसंद उनको। रिसेस टाइम में जो बच्चे टिफिन में मैगी लेके आते थे, उनकी मैगी जब उसकी मैगी पे कैसे टूट के पड़ते थे लोग। इफ़ यू हैव डन दैट आई मीन टेल मी इन द कमेंट्स। तो जब तक हमारी मैगी बनती है तब तक थोड़ी और स्टोरीज सुनाते हैं, बट आई टेल यू व्हाट आई डू बिफोर आई कवर इट। तो मैंने ना इसको पानी को बॉईल करा मसाला डाल के, देन आई पुट दी नूडल्स इन मैगी, और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल मिड फ्लेम पे करके, इनफैक्ट मिड पे भी नहीं, लो फ्लेम पे करके आई एम गोना कीप दिस टू फ्यूम फॉर अ बिट। इससे क्या होगा ना, इससे एक तो हमारी मैगी
पानी ज़्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी, और टू मेरा पानी इवेपोरेट नहीं होगा जल्दी से, और फ्लेवर हर नूडल में ढंग से पहुंच जाएगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट द फ्लेवर इज एच्ड इन एवरी सिंगल नूडल, इट्स हर नूडल में फ्लेवर है। हाँ, आई रिमेंबर वंस आई वेंट टू रन अ मैराथन, माई स्कूल यूज टू ऑर्गेनाइज दिस हाफ मैराथन 6.1 किलोमीटर्स बिफोर आर एनुअल स्पोर्ट्स डे। आई रन दैट, हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद आई 6 इन द मॉर्निंग नवंबर या अक्टूबर की सर्दी में, बंच ऑफ अस फ्रॉम ग्रेड 9-10 वेंट आउट टू द लोकल सिगरेट शॉप। सिगरेट पीने नहीं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी चाय और मैगी मिलती थी, तो हमने गए वहाँ पे, हमने बहुत सारी मैगी खाई। दैट्स वॉज अ फन मेमोरी विद मैगी दैट आई हैव, एंड फ्रेंकली इन विंटर्स माई फेवरेट मेमोरी इज गोइंग टू दैट प्लेस, ड्रिंकिंग चाय, हैविंग मैगी, फाइंडिंग न्यू मैगी जॉइंट्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद मैगी। दिस वन टाइम माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल कॉल्ड सागर, ही पुट सोन पापड़ी इन मैगी, और क्या क्या वियर्ड कॉम्बिनेशन होता है। आई हैव सीन मैगी विद कोका कोला, आई हैव सीन मैगी विद वाटर, लोग बस पानी मैगी, कुछ गर्म नहीं, कुछ मसाला नहीं, ऐसी खा जाते हैं। और भी काफ़ी क्रिपी क्रिपी कॉम्बिनेशन होते हैं मैगी के साथ, तो टेल मी व्हाट इज योर्स। और इतने हम ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप द गैस सिम हल्के पर रखना उसको, एंड यू कीप स्टरिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट यू डोंट यू नो बर्न इट। मेरा ये तवा तो नॉन स्टिक है, बट इफ़ यू आर यूजिंग अनदर पैन, अनदर फ्राइंग पैन दैट इज़ नॉट नॉन स्टिक, एक तो मैगी उस पर नीचे स्टिक कर जाएगी, चिपक जाएगी, इतनी गंदी तरह से चिपक जाएगी कि आप उसको साफ नहीं कर पाओगे, अपनी मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी, टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। और ये जो कच्ची मैगी होती है ना, मेरी मम्मी मेरे इसको देखेंगी, वेन यू सी माय वीडियो शी गोना स्कोल्ड मी। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैगी हेल्दी नहीं होती, आई मीन ऑफकोर्स इट्स नॉट हेल्दी इन द सेंस कि इसमें मैदा है, एंड मैदा इज़ नॉट वन ऑफ द फाइबर्स और काइंड ऑफ फ्लावर दैट विल गिव यू न्यूट्रिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ईट होल व्हीट आटा, प्रॉपर आटा जो हमारा होता है, दैट इज़ अ स्लो ट्विच फाइबर, नहीं दैट इज़ अ स्लो डाइजेस्टिंग फाइबर, वो आपको थ्रू आउट द डे उसको काफ़ी एनर्जाइज करता है। योर बॉडी ब्रेक्स डाउन द शुगर इन दैट, शुगर एंड कार्ब्स इन दैट स्लो डाइजेस्टिव आटा, एंड इट गिव्स यू एनर्जी थ्रू आउट। मैदा ऑन दी अदर हैंड डज नॉट हैव दोज काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज, इट काइंड ऑफ स्टिक्स इनसाइड ऑन योर स्टमक एंड इट डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू नीड टू वॉन्ट थ्रू आउट, विच इज़ वाई मैदा खाने से लोग काफ़ी कतराते हैं, विच इज़ वाई मैदा की इतनी वैल्यू नहीं होती है, एंड विच इज़ वाई मैगी को काफ़ी लोग अनहेल्दी मानते हैं। नाउ वाइल आर मैगी हैज़ बीन सिमरिंग फॉर अ बिट नाउ, यू कैन सी, आई मीन आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वाटर लेफ्ट। I want to check whether the noodle is मतलब कि noodle गल गए हैं या नहीं। Now mind you, I know कि ये non-stick तवा है, इस पर sharp metal से use नहीं करते हैं, तो I'm only trying to find a noodle from somewhere in the middle। काफ़ी difficult है ये। आ गया आ गया आ गया, अभी निकल आया। So basically इसको ढक देंगे, इसको और simmer होने देंगे, सीरी को बोलते हैं। Hey Siri, set a timer for 3 minutes। हाँ, तो सीरी ने हमको बोला कि टाइमर हो गया, तो हम यहाँ आ गए। एंड व्हेन आई ओपन दिस आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम माय मैगी हैज इवेपोरेटेड। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। अपेरेंटली मैंने पानी थोड़ा कम डाला या फिर मेरी गैस थोड़ी ज़्यादा तेज रह गई। बट ट्रेडिशनली व्हाट यू वुड वांट is that when you take off the lid after keeping it on sim for a while, there is some amount of water that you can evaporate, so lid hata ke. That way your Maggi is kafi watery, and watery keeps it hot for a bit. So hum kya karenge, isko hum apni dish mein nikal lete hain. Oh, dish mein humne Maggi nikal li. Ab isme dalenge hum kuch secret ingredients. सबसे पहले आएगा इसके अंदर थोड़ा सा, नहीं काफ़ी सारा बटर। सीक्रेट इंग्रेडिएंट नंबर 1 था बटर। इंग्रेडिएंट नंबर 2 इज सम पेपर, बिकॉज पेपर विल ऐड टू द नाइस टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ द होल मैगी। और ये हमारी सुंदर टेस्टी मैगी हो गई है तैयार, अब इसको हम खाएंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऐसी ही वीडियोज़
I'm gonna bring them a lot more often than I wanted to, because I'm enjoying doing this. I hope you're enjoying watching this. In fact, if you have some questions, if you have some suggestions, leave them in the comments down below. I am gonna address them in the next video. And that's it. Thank you for watching. Coffee tasty. See you in the next one. Bye.